एसएमएस अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत में लगातार सुधार देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कल एंजियोप्लास्टी की गई, जिनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद से दुआओं का दौर शुरू हो गया था, जो अब तक जारी है। आज भी डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री का चेकअप किया, जिसमें काफी सुधार देखा गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसएमएस पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। महेश जोशी ने बताया कि अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल एंजियोप्लास्टी होने के बाद में उनकी तबीयत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। लगातार डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं और संभवतः जल्द ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ महेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो भी मिलने के लिए आए हैं। महेश जी, आपने मुलाकात की है, अभी फिलहाल किस तरह की उनकी तबीयत है और किस तरह का सुधार देखने को मिल रहा है? जिस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए वो सारी बातें हो सकती हैं, इसके लिए जाँच जरूरी होती है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरीके से नियंत्रण में ठीक है। वो ये कह सकते हैं कि स्टंट तो लगा, लेकिन आमतौर पर वो सामान्य है। फिर भी डॉक्टर की सलाह जो होगी उसके हिसाब से उनको आराम करना, कितने दिन करना है, क्या करना है, कब छुट्टी मिलेगी, ये दोपहर तक शाम तक डॉक्टर्स तय करेंगे, और जैसे वो तय करेंगे उसी के अनुरूप आगे की रूपरेखा बनेगी। लगातार लंबे समय से अधिक काम करने की वजह से और पोस्ट कोविड के भी कई सिम्टम्स हैं वो देखने को मिले थे, और एक संभवतः समय रहते इसकी जानकारी मिल गई, और कल स्टंट भी वो डाल दिया गया है। फिलहाल दुआओं का दौर भी जारी है। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत मेहनत करने वाला व्यक्तित्व है। वो आमतौर पर 14-16 घंटे तो काम पहले भी करते थे, मुख्यमंत्री रहे हों चाहे नहीं रहे हों, लेकिन जब जब मुख्यमंत्री रहे 16-18 घंटे 19 घंटे काम करना वो उनकी आदत में था। कोई भी चीज़ वो पेंडिंग नहीं रखना चाहते थे, काम पूरा काम करते थे। लोगों की को कैसे राहत दी जा सके, लोगों के भले के लिए कैसे योजनाएं बनाई जा सकें, और जिस तरीके की अनूठी योजनाएं राजस्थान में बनी हैं, चाहे एक अभियान चला निरोग राजस्थान का, चाहे चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, जितनी तरीके की योजनाएं जनता के लिए राजस्थान में बनाई गई हैं उतनी शायद किसी स्टेट में नहीं बनाई गई। ये मुख्यमंत्री जी का सोच है, और उनकी सोच में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि एक तो वो जनता पे विश्वास करते हैं, उनको विश्वास है कि जो बात वो जनता के सामने रखेंगे जनता उसको पूरा करने के लिए कृतसंकल्प रहेगी। और साथ ही जैसे अभी कोरोना में हुआ, इतना शानदार प्रबंधन उन्होंने किया, अन्यथा राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान में कोरोना का रूप और भी भयानक हो सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सजगता, लगातार उनकी मेहनत, उनकी सक्रियता से कोरोना को हम नियंत्रित कर पाए, और आज स्थिति है कि राजस्थान के लोग एक बहुत निश्चिंता के साथ में सांस ले रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि तीसरी लहर नहीं आवे। लेकिन एक विश्वास राजस्थान के लोगों में है कि भगवान ना करे तीसरी लहर आवे, लेकिन अगर किसी तरह की कोई लहर आती है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी सरकार उसका मुस्तैदी के साथ सामना कर रही है, करेगी, और लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं रखेगी। आज लोगों के मन में इतना विश्वास कि अगर तीसरी लहर आती है तो भी राजस्थान उसका पूरी दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ मुकाबला कर सके। बिल्कुल विश्वास सीएम साहब ने एसएमएस के अस्पताल पे और प्रदेश के डॉक्टरों पे भी किया, और यहाँ पे उन्होंने अपना इलाज करवाया है। बहुत बड़ी बात है ये, मुख्यमंत्री को किसी भी तरीके की सुविधाएं, पूरी दुनिया की कोई भी सुविधा उनको मिल सकती है, लेकिन उन्होंने तुरंत फैसला किया कि मेरा प्रदेश है, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पे अगर मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करेगा तो दूसरे कैसे विश्वास करेगा। उन्होंने विश्वास किया, राजस्थान की जनता की दुआओं पे उनको भरोसा था, राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र पे उनका भरोसा था, डॉक्टर्स पे भरोसा था, इस अस्पताल पे भरोसा था, और उन्होंने ये हिम्मत का काम किया जिसका संदेश पूरे राजस्थान में गया है, और देश में ही नहीं, इस पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस बात का मैसेज गया कि एक मुख्यमंत्री है जिसने अपने इतने नाजुक जो इलाज है वो भी अपने सरकारी अस्पताल में कराया। मैं सैल्यूट करता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इस उनके साहसिक निर्णय के लिए, और विश्वास करके चलता हूँ कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाएँ, स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ इस तरह राजस्थान की जनता की भी सेवा करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अस्पताल पे विश्वास किया और उसका परिणाम ये है कि उनकी सेहत में लगातार सुधार देखने को मिला और जल्दी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ मैं लोकेश ओला A1।